IPL 2019 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपनी टीम का प्लेइंग 11 का बैलेंस नहीं बिठा पा रही है, क्योंकि बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अभी भी अवेलेबल नहीं है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्कस स्टोइनिस और नेथन कुल्टन-आइल ये दोनों प्लेयर कब भारत आने वाले हैं और कब RCB की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, तो एंड तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप भी IPL पैन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक का बटन नीचे से हिट कीजिए, बड़ा बड़ा इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल दोस्तों इन दोनों ही प्लेयर्स के ना खेलने का IPL से बाहर होने का शुरुआती दौर में जो मेन रीजन था वो था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही है, दुबई में ये सीरीज चल रही है, जिसका आखिरी मैच आज मतलब 31 मार्च को खेला जाएगा और उसके बाद ये दोनों प्लेयर्स फ्री हो जाएंगे टू प्ले इन एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट और एनी टाइप ऑफ गेम। मतलब ये भी कंफर्म है कि जब आज का मैच खत्म होगा तो ये दोनों प्लेयर अवेलेबल होंगे IPL में खेलने के लिए। लेकिन भाई IPL में खेलने के लिए अवेलेबल तो होंगे, भारत कब आएंगे? क्योंकि 2 तारीख को RCB और राजस्थान रॉयल्स का मैच है और जिस तरह की रिपोर्ट हमारे पास भी मौजूद है ये दोनों प्लेयर्स 2 तारीख को भारत में RCB की तरफ से खेलने के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। RCB टीम को बहुत दिक्कत हो रही है अपना बैलेंस जो है मेंटेन करने में, क्योंकि लोअर ऑर्डर में भी मार्कस स्टोइनिस इफेक्टिव हो सकते हैं, अपर ऑर्डर में भी इफेक्टिव हो सकते हैं। गेंदबाजी भी करते हैं, नेथन कुल्टन आएंगे आपको पूरी तगड़ी वाली बॉलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो अब भाई RCB की टीम को यही सोचना है कि किस तरह से इन्हें प्लेइंग 11 में सेटल किया जाए। 2 तारीख को ये भारत आएंगे और खेल सकते हैं RCB की तरफ से। अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया, जब वहां से कंफर्मेशन है जाएगा तो मैं आपको हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग के जरिए बता दूंगा। उसके लिए माय क्रिकेट प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।